नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 22 जनवरी 2020, समय 9:28:26 हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपना दिखा दूं ट्रेड की, कोई भी ट्रेड मैंने नहीं लिया है। थोड़ा सा सम देख रहा हूं, मार्केट अभी फिलहाल 33 पॉइंट पॉजिटिव है, तो कोई ट्रेड अभी मैंने लिया नहीं है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा स्टॉक्स किस लेवल पे अभी है, कहाँ है, सब चीज समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी मैंने दो स्टॉक्स दिए हुए हैं टेलीग्राम पर, सन फार्मा और टेक महिंद्रा को, तो नज़र रखिए। टेक महिंद्रा 784 के ऊपर और सन फार्मा 452 के ऊपर। सन फार्मा ऑलरेडी ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, तो 452 के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया है 455 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट होगा 455 के आसपास का। तो अभी देखते हैं दोस्तों INR का कंडीशन। अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, बस मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ, मार्केट के गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, जगह पर मिले एक चीज़ तो फिर लिया जाए, ट्रेड किया जाए। अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और जब कोई ऑर्डर लूँगा तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। नमस्कार दोस्तों, एक ऑर्डर लगाऊंगा टाटा केमिकल में, इसी प्राइस के आसपास एक ऑर्डर लगाऊंगा, 754 के आसपास में मैं इसको कवर ऑर्डर 754 लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर में ले लेता हूँ, 754 रुपया 65 पैसा और 754 रुपया 50 पैसे के पास में 4 का टारगेट स्टॉप लॉस अभी रखता हूँ, 8 का टारगेट, इसको बाय ऑर्डर लगाता हूँ। चलिए, बाय ऑर्डर एक ट्रिगर मैंने अभी नहीं हुआ है, अभी ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ है। तो दोस्तों ऑर्डर ट्रिगर हो गया टाटा केमिकल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और छोटी छोटी क्वांटिटी में मिला, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो पूरा आ जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, 150 क्वांटिटी में लगभग सब ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर देखते हैं इसका पोजिशन। तो दोस्तों ऑर्डर ट्रिगर हो गया है, 7.5 का प्रॉफिट दिखा रहा है 150 क्वांटिटी में। ऑल पोजीशन आपको दिखा दूं तो यही एक ऑल पोजीशन है टाटा केमिकल, 150 क्वांटिटी, 7.5 का प्रॉफिट, 45 का प्रॉफिट, 22 का प्रॉफिट। तो अभी देखते हैं टाटा केमिकल, मैंने 8 पॉइंट का टारगेट रखा, यानी 762 रुपये के आसपास का मैंने टारगेट रखा है, तो बीच बीच में मैनेज कर लेंगे। 755 को अगर ये ब्रेक करता है 755 से 56, तो एक अच्छा टारगेट 760 तक जा सकता है। हमारा बाइंग प्राइस 754 के आसपास का है और अभी 60 का लो है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, मैंने इसी कैंडल का लो के आसपास हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा है मेंटेन करके। तो देखते हैं कहाँ पे हमारा या तो एसएल कटता है या टारगेट आता है, वेट करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, समय 9:49:48 हो रहा है। तो दोस्तों 165 का प्रॉफिट हो गया है, अभी देखिए बिल्कुल बना हुआ हूँ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, 165 का प्रॉफिट। ऑल पोजिशन आपको दिखा दूं, यही आज मैं सिर्फ इसी में एक ट्रेड करूंगा, टाटा केमिकल में, दूसरा कोई भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करने वाला हूं, सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना आपको, चाहे इसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस कटे जो कटे, मैं बस यही मैं ट्रेड करने वाला हूं, दूसरा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो अभी अब 45 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। एक रेजिस्टेंस है इसको, वही 755 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हैं प्रीवियस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आया, उसी का वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। 112 का प्रॉफिट, 127, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है अपसाइड में, रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर रहा हूँ। 300 का प्रॉफिट दोस्तों हो रहा है, 202 हो गया, अभी 332 हो चुका था, 337 हो गया था, 232 अब आ गया है, देखिए रिकॉर्ड अब अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ये दिख रहा है, 270 का प्रॉफिट, 307 307 307, अच्छा प्रॉफिट चलता हुआ, और 270, चलिए बस एक ट्रेड ही करूंगा आज मैं, 427 का प्रॉफिट, 427 427 427, चलो चलो ऊपर चलो जल्दी, और 390 निफ्टी एक्चुअली नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ से सस्टेन करेगा 12,150 जो प्रीवियस अपना कल टेस्ट किया था, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, एक बार इसको ये टेस्ट कर सकता है और वहाँ से फिर ये बाउंस बैक हो सकता है। मैंने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया था कि 12,230 के जब तक ऊपर नहीं निकलेगा लॉन्ग का पोजिशन हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेता हुआ टाटा केमिकल में अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, 307 का प्रॉफिट के साथ मैं बना हुआ हूँ, इसने हाई लगा दिया है 757 रुपये का, तो देखते हैं कहां तक ये जाता है।
मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत कम कर लूंगा दोस्तों, क्योंकि खुदरा खुदरा क्वांटिटी मिला, एक बार 143 मिला, एक बार 107 मिला, तो मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर लूंगा, कहीं कुछ जाने वाला नहीं है। देखिए बिल्कुल एकदम छोटा स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि कुल मिला के 3 पॉइंट का स्टॉप, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैं बना हुआ हूँ। तो 300 रुपया मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:24:20। देखिए मार्केट में काफ़ी तेज गिरावट अभी स्टार्ट हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है, 12,150 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, और लो लगा दिया इसने 12,140 के आसपास का। उसके वजह से देखिए हम लोगों का जो स्टॉक है, मैंने एक लिया हुआ है टाटा केमिकल में, तो वही एक पोजीशन है मेरा उसमें अभी 52, हालांकि मैं प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट तो 400 से समथिंग का ऊपर हो चुका था, अब 45 में बचा हुआ है। देख रहे हैं ऑल पोजीशन एक यही है, दूसरा मैंने कोई ट्रेड ही आज नहीं लिया, तो एक ही ट्रेड मुझे करना है, बस यही एक स्टॉक चाहिए मुझे प्रॉफिट दे, चाहे मेरा लॉस काटे चाहे जो काटे। मैंने बिल्कुल स्ट्रीट स्टॉप लॉस के साथ, 2 से 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है बिल्कुल उसके साथ बना हुआ, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 450 का लॉस लेने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं, मेंटली मेरा प्रिपेयर है माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये मार्केट यहाँ पर से सबसे बड़ी खेल है। देखिए मार्केट बिल्कुल लोअर लो बनाता जा रहा है, ऐसे कंडीशन में अगर आपने बाय का पोजीशन बना रखा है तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाने में आपको भलाई है। और कुछ खबर लगता है न्यूज़ आ गई है, उल्टी खा सीधी कोई खबर आ गई हो लगता है, इसके वजह से मार्केट एक रेंज में पहले ट्रेड कर रहा था, आप यहाँ पे देख पा रहे एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, अब उस रेंज को तोड़ के नीचे ट्रेड करता हुआ। तो देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा टाटा केमिकल भी नीचे साइड में आता है या नहीं आता है, हमारा स्टॉप लॉस काटता है या नहीं काटता है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही हूँ, कोई टेंशन वाली बात अभी फिलहाल तो नहीं है, और होगा भी तो 450 से ज़्यादा का टेंशन मुझे ऐसे भी नहीं होना है। चलिए अभी 37 का प्रॉफिट है, रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, 37 का लॉस। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:41:27। देखिए मार्केट नीचे आया, उसके साथ साथ ये भी नीचे आया, लेकिन मेरा एसएल नहीं कटा दोस्तों, यहीं से वो वापस बाउंस बैक कर रहा है, वापस 150 के प्रॉफिट में मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल पोजीशन। बस यही एक सिंगल ट्रेड है, यही एक ट्रेड मैं करूँगा, दूसरा कोई ट्रेड नहीं करने वाला मैं आज, कंटिन्यू एक ही ट्रेड मेरा चलेगा इस टर्मिनल पर। लगभग 1 महीना तक मैं कोशिश करूँगा एक ट्रेड करूँ, उस एक ट्रेड में जो प्रॉफिट जो लॉस होगा वो लेके निकल जाऊँगा। तो देखते हैं ये किसमें कहाँ तक जाता है, बिल्कुल बना हुआ है, चाहे तो मेरा प्रॉफिट दे चाहे तो ये मेरा स्टॉप लॉस काटे, या तो टारगेट दे या तो मेरा स्टॉप लॉस काटे, मैं दोनों में से रेडी हूँ मेंटली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डिसिप्लिन के साथ बना हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सांस नहीं फूलना है ना, एकदम टेंशन लेकर नहीं बैठना है, इंजॉय करिए। और अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, 200 का प्रॉफिट चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, 465 का प्रॉफिट, देखिए बिल्कुल समय 10:43:56, 465 हो गया था, 352 वापस, तो फिर से नया हाई लगाता हुआ 420, देखिए मैं बिल्कुल बैठा हूँ, 760 पे भी जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक टारगेट के 510 का प्रॉफिट हो गया, इस टर्मिनल का काम हो गया कंप्लीट, ठीक है, इस टर्मिनल का काम हो गया दोस्तों कंप्लीट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मुझे चूंकि मैंने ब्रैकेट ऑर्डर में लिया है, तो देखिए एक बार 143 क्वांटिटी मिला, एक बार ओनली 7 क्वांटिटी मिला, तो मैं चाहूँ तो 143 का प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 570 का प्रॉफिट चल रहा है मुझे, तो मैं चाहूँ तो 622 हो गया, लिए 652 हो गया, आपसे बात करते करते 645 हो गया, 637, 645 चल उड़ा दे, 667 चलो, चलिए इस टर्मिनल का काम दोस्तों कंप्लीट हो गया, 720 गर्दा, 720 720 लगाओ एक बार, हाय तो दिखा दो जलवा, तो 720 का प्रॉफिट हो गया था। तो एक बार मैं इस 143 क्वांटिटी का दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, है ना, इसमें समझदारी वाली बात यही होगी, 143 क्वांटिटी का मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा 757.85 रुपया पे, इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा। देखिए ये नहीं लेने दे रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं 600 का प्रॉफिट तो मैं पूरा ही निकल सकता हूँ फिर, अब तो मैं लॉस में तो नहीं जाने दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ दोस्तों। 720 का प्रॉफिट दोस्तों, 720 35 727 727 चलो 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 735 शाबाश बहादुर, दिखा दो जलवा एक बार, 772 700 ऑल पोजिशन देख लिए दोस्तों, यही एक ट्रेड है 787 का प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ, बिल्कुल 765 हो गया, तो मैं अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करूंगा, प्रॉफिट मैं अब बुक करूंगा यहाँ से। चलिए अपना काम इस टर्मिनल का हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अरे यार ओहो, देखिए 600 के प्रॉफिट में निकला,
700 के जगह 600 के प्रॉफिट में निकला, 727 के जगह। चलिए तो दोस्तों, तो ये टर्मिनल का काम हो गया कंप्लीट, एक ट्रेड लिया टाटा केमिकल ओनली और बिल्कुल लगता है मैं सही जगह से निकला हूँ। और ऊपर चला जाए तो अलग बात है, अपना काम हो गया, बात खत्म। अब मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल डिसिप्लिन पेशेंस के साथ काम कीजिए, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट हाथ में रखिए और इंजॉय करिए ट्रेड को। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।